चलिए देखिए, अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मॉस पॉइंट थ्योरम में टाइप थर्ड पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले आपको हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पर आधारित क्वेश्चन बता चुके हैं। दो दो क्वेश्चन बताए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना, कोई डाउट ना हो, ये भी आपको समझ में आ जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि ए ई अनुपात ई सी बराबर 5:5 के साथ दिया है, बी डी अनुपात डी सी 3:5 4 दिया है। ज्ञात करना है ए ओ अनुपात ओ डी एंड बी ओ अनुपात ओ ई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट को ढूंढते हैं। कॉमन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, देखिए किन किन भुजाओं का अनुपात दिया है, तो भुजा ए सी एंड भुजा बी सी, ये दोनों भुजाओं का अनुपात दिया है, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं। भुजा ए सी भुजा बी सी कहाँ पर काट रही है, भुजा ए सी और भुजा बी सी एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, ए सी इधर से आ रही है, बी सी इधर से, तो एक दूसरे के यहीं पर काट रही है ना, यहीं पर। तो ये क्या हो गया, यही तो हो गया आपको क्या, कॉमन पॉइंट, ठीक हो, कॉमन पॉइंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बताए हैं कि टाइप फर्स्ट में अंदर वाली तो दोनों भुजाओं का अनुपात दिए हो तो कैसे याद करते हैं, टाइप सेकंड बताए हैं जब एक अंदर वाली एक बाहर वाली भुजाओं का अनुपात दी हो तो कैसे लगाते हैं, अन्य भुजाओं का अनुपात याद करते हैं। ये है कि जब दोनों बाहर वाली भुजाओं का अनुपात दिया हो तो अन्य भुजाओं का अनुपात कैसे याद करते हैं, ये तो होती है टाइप। इस टाइप में बताइए जो इस भुजा है इसका वेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगेगा, और इस भुजा का भी वेट कहाँ पर लगेगा, इस भुजा का भी वेट यहाँ पर लगेगा। कॉमन पॉइंट यहाँ पे वहीं पे आएंगे पहले हम, तो इधर से 5 इधर से 3, तो 5 कामा 3, अरे ये कामा लगा दे अच्छे से, 5 कामा 3। अब 5 और 3 की एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ से 5 आ गया, इधर से क्या आ गया, 3 आ गया, तो 5 कामा 3 इनका एलसीएम कितना आया बताओ, अच्छा 5 ऊपर लिख दें, ठीक, एलसीएम 5 3 15, इनका एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया, बस सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना। देखिए आप पहले भुजा क्या उठाइए, यहाँ पर ये ए ई सॉल्यूशन में हाल में ए बराबर कितना, 5:5, ए बराबर 5:5, 5:5 बराबर कितना, 5:15, तो 1:5 बराबर कितना, 15/5, ठीक 15/5 भाग करेंगे तो 1:5 बराबर आ गया कितना, 3। जब 1:5 3 आ गया तो बताइए इस भुजा में 5:15 था, 1:5 3 आ गया, तो 7:5 मान निकाल सकते हैं कि नहीं, भुजा एसी वाले में, तो आप कर लीजिए तब 7:5 बराबर क्या, 7/3 बराबर 21 के लिए बेट है ना, ये तो बेट लग रहा है, ये लेंथ है, ये भुजा का अनुपात दिया है, यहाँ पर बेट हो जाएगा, ठीक। एंड क्या यहाँ बताइए, 3:5 कहेंगे बी डी में, बी डी कितना है, 3:5 है, और 3:5 बराबर कितना दिया है, 3:5 बराबर कितना, 15, इस भुजा के लिए 3:5 बराबर 15, तो 1:5 बराबर कितना आ गया, 15/3 बराबर कितना, 5, 1:5 बराबर 5। अगर 1:5 आ गया तो बताओ 4:5 मान निकाल सकते हैं कि नहीं, भुजा बी सी पर, तब 4:5 बराबर क्या, 4/5 बराबर 20। आप इसमें 1:5 बराबर 3 आया था ए सी वाले पे, इस भुजा में, तो इसको यहाँ पर रखिएगा, ठीक ना, 1:5 बराबर 3 आया किस पर, ए सी में, और 1:5 बराबर 5 आया बी सी में, तो बी सी में बी सी वाले करिएगा, ए सी में ए सी वाले करिएगा। आप बताइए कि अगर 7:15 के जी आ गया, इसका वेट यहाँ पे लगेगा ना, इसका वेट यहाँ पे लगेगा कितना, 21 के जी, यहाँ पे आ गया आपका 21 आ गया आप, ठीक, और यहाँ पे यहाँ बताइए 5 15, यहाँ पे 15 हुआ, इधर से भी 15, इधर से 15, तो यहाँ पर टोटल वेट हुआ 15, कितना 15, तो कॉमन पॉइंट पर जो वेट लग रहा है यहाँ पे 15 किलो का वेट लग रहा है, 15 किलो का, और 4:15 कितना 20, तो इसका जो होगा इस किनारे पर लगेगा ना, कितना 20 आ गया, बी पर 20 आ गया। अब तो निकाल सकते हैं जब किनारे किनारे का अनुपात बेट पता है तो बीच में क्या होगा, दोनों का योगफल 20 ये 15 ये, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 35 के जी, कितना 35, ठीक।
और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कितना 15, तो 21 और 15 कितना हो जाएगा 21 15 पाँच एक छः तीन 36, ई पर होगा 36। ये दोनों का योगफल जो ये है ये क्या है 21 प्लस 15 पाँच एक छः ये तीन 36 हो गया, 36 हो गया। अब तो निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। क्या पूछा है आपने क्वेश्चन में, करिए अब बताइए क्या कहा है। ए ओ ए ओ अनुपात ओ डी, ए ओ अनुपात ओ डी, तो ए ओ ओ डी यहाँ का वेट, ये वाला वेट इस भुजा पर आ जाएगा और ये वाला वेट इस भुजा पर आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं कुछ। तो ए ओ कितना है 35, हो गया कितना 35 अनुपात ओ डी, ओ डी इधर से आएगा 21, 21 आ गया। एंड एंड क्या करना आपको बी ओ ओ एंड बी ओ अनुपात ओ बी ओ अनुपात ओ बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये तो इधर वाला जो होगा वेट इस भुजा पर आ जाएगा तो आ गया 36, कितना 36 अनुपात ओ ई, ये तो ये वेट इस भुजा से जाएगा ना, यहाँ से यहाँ पे जाएगा ये ला इसको ना वाला इस भुजा पर अपोजिट होता है, अपोजिट होता है ये बताए हैं आपको, ठीक ना। ये आगे 20, कितना आगे 20। अब कटेगा तो काट दीजिए, कट जाएगा वैसे दो से कट जाएगा ओ आर आर, दो से काट देंगे तो 18 अनुपात कितना आएगा 10, अब भी कट जाएगा तो 9 अनुपात 5 भी आ जाएगा, इसे काट देंगे तो आ जाएगा 9 अनुपात 5। ये सब सही है, कटेगा तो काट देंगे, अरे 4 से काट दो 4 9 36 4 5 20 तो ही आ गया 9 अनुपात 5। चलिए कटेगा तो काट देंगे नहीं तो छोड़ देंगे, एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ फिर इस पर आधारित एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक। चलिए सबसे पहले आपको हम काउंट पॉइंट ढूंढना बताएंगे, ठीक ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे काउंट पॉइंट को ढूंढेंगे, काउंट पॉइंट कैसे ढूंढेंगे देखेंगे किस किस भुजा का अनुपात दिया है तो देख लेंगे, वो दोनों भुजाएं एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही काउंट पॉइंट होता है, तो एक दूसरे को कहाँ काटे सी पर काटी, सी हो गया काउंट पॉइंट, इधर से 5 इधर से 3, 5 और 3 के एलसीएम निकाल लिए आ गया 15, तो 5 अनुपात बराबर देखिए कितना आ गया 15, 1 अनुपात बराबर कितना 3 ए ए सी में ए ही वाले के लिए, ठीक। तो यहाँ से जब 1 अनुपात 3 तो 7 अनुपात बराबर कितना हो गया ए सी वाले भुजा पर 7 अनुपात बराबर कितना 7 × 21, और इधर 3 अनुपात बराबर 15 तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 5, जब 1 अनुपात बराबर 5 आ गया बी सी में तो 4 अनुपात बराबर कितना हो गया 5 × 20 के जी। अब इसका वेट इस भुजा पर, इसका वेट इस भुजा पर अपोजिट होता है नहीं, अपोजिट होता है भैया प्रैक्टिकल कराए थे, प्रैक्टिकल जब आप हम स्टार्ट किए थे तो वहाँ से तराजू लेकर के प्रैक्टिकल कराए थे, जो इसका इधर वाला वेट इस भुजा पर जाएगा, इधर वाला वेट इस भुजा पर जाएगा, ठीक। तो प्रैक्टिकल कराए उसको भी जाकर देख लीजिए आराम से, सब समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पहले आप इसे कर लीजिए नोट कर लीजिए, जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।